जब हजरत अली की एक जिरह गायब हो गई, जिरह जो हाथ में पहनी जाती है और तलवार चलाई जाती है इस हाथ से, और जब कोई काफिर आपको तलवार मारता है तो जिरह से बचा लिया जाता है, या वो तो ढाल होती है, जिरह जो है लोहे की पहन ली जाती है अपने सीने पर ताकि कोई तीर ना आए, लोहे की जिरह। एक यहूदी के पास देखते हैं 6 महीने के बाद, तो हजरत अली ने कहा ये जिरह मेरी है। कहा नहीं, यहूदी ने कहा ये जिरह मेरी है। हजरत अली ने कहा ये देखो झूठ मत बोलो, ये जिरह मेरी है, मैं पहचानता हूं। यहूदी ने कहा ये जिरह मेरी है, अगर आप कहते मेरी है तो जाओ अदालत में अपना मुकदमा दायर करो और साबित करो कि ये जिरह तुम्हारी है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहूदी से जिरह नहीं ले पा रहे हैं। काजी शुरह की अदालत में मुकदमा दायर करते हैं कि मेरी एक जिरह है यहूदी के पास। तारीख देकर यहूदी को तलब किया गया। हजरत उमर भी उस तारीख पे आए। हजरत उमर फारूक से पहले यहूदी कहने लगा, काजी साहब हजरत उमर ने, हजरत अली ने मुकदमा दायर किया है मेरे खिलाफ। काजी शुरह ने कहा अरे यहूदी खामोश रहो, तुम मुद्दा अलै हो, मुद्दई नहीं, मुद्दई हजरत अली हैं, पहले इनको बोलने की इजाजत दी जाएगी। हजरत अली ने कहा काजी साहब मेरी जिरा 6 महीने पहले गुम हो गई थी, 6 महीने के बाद ये जिरा मैंने एक यहूदी के हाथ में देखी है, लिहाजा ये जिरा मेरी है, मुझे दी जाए। कहा यहूदी अब तू बोल, बोल क्या बोलता अपनी सफाई में। यहूदी कहता है काजी साहब हजरत अली गलत कह रहे हैं, ये जिरा तो कई महीनों से कई सालों से मेरे पास है और इस जिरा का मालिक मैं हूं। काजी साहब कहते हैं हजरत अली को सच्चा मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन मान रहे हैं, लेकिन उसूल उसूल होता है, जब्ता जब्ता होता है, फैसला सुनाने वाले को बहुत ही होशियारी से फैसला सुनाना है। काजी साहब ने कहा अली अगर आपकी ये जिरा है तो अपने लिए गवाह पेश करो जो ये गवाही देगी ये जिरा आपकी है। हजरत अली ने अपने बेटे को पेश किया, हाय हुसैन या हसन गवाही दो, बताओ ये जिरा किसकी है। हजरत हसन कटघरे में खड़े होते हैं और कहते हैं काजी साहब ये जिरा मेरे बाप की है, दरवाजे पे रखी थी, घर के अंदर चले गए, थोड़ी देर के बाद लौट के आए तो जिरा गायब, यही जिरा है जो इस यहूदी के पास है और मैं गवाही देता हूं कि ये मेरे बाप हजरत अली की जिरा है। हजरत अली हजरत हसन की शहादत पर काजी साहब एक्शन लेते हैं। काजी शुरैक का जवाब देखिए, आए अली अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम होना चाहिए कि हसन आपके बेटे हैं और शरीयत ये कहती है कि बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है, क्योंकि बेटा अक्सर अपने बाप ही के फेवर में बोलता है, उसी की तरफदारी में बोलता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बेटे की गवाही मंजूर नहीं कर सकता, शरीयत के मुताबिक बाप के हक में बेटे की गवाही का कोई एतबार नहीं है, वापस करो कोई दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने दूसरा गवाह अपना गुलाम पेश कर दिया। गुलाम ने कहा ये जिरा मेरे मालिक अली की है, मैंने उन्हीं के पास देखी है, दरवाजे के बाहर रखी थी, अंदर से आए तो देखा गायब, 6 महीने के बाद ये जिरा इस यहूदी के पास दिखी, यहूदी बेईमानी कर रहा है, दे नहीं रहा है। काजी साहब ने फिर फैसला सुनाया, अमीरुल मोमिनीन अली अमीरुल मोमिनीन मुझे अफसोस के साथ गुलाम की गवाही भी रिजेक्ट करना पड़ रही है, शरीयत ये कहती है कि गुलाम भी अक्सर अपने मालिक की हिमायत में बोलते हैं, अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाते हैं, इसलिए शरीयत के मुताबिक गुलाम की गवाही भी मालिक के हक में कबूल नहीं की जाएगी, अपने समाज मोहल्ले गांव का कोई और आदमी लाओ। हजरत अली ने भी झूठे गवाह पेश नहीं किए, फरमाया नहीं इन दोनों के अलावा मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। काजी साहब फैसला करते हैं आई यहूदी अली अपने दावे के मुताबिक अपने गवाह पेश नहीं कर सके, लिहाजा ये जिरा का मालिक तू है, ये जिरा तेरी है, तू ले जा। हजरत अली के खिलाफ फैसला, आज सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से इसकी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? आज क्या ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि हाकिम वक्त के खिलाफ कोई फैसला सुना दे? जरा सोचो, हजरत अली के खिलाफ मुकदमा फैसला, यहूदी को जिरह दे दी गई, फैसला सही था लेकिन हजरत अली की जिरह थी, लेकिन दलाइल की रोशनी में किताब सुन्नत के मुताबिक फैसला यहूदी के हक में हो गया।
अब यहूदी की बारी थी, हजरत अली निकले, उस यहूदी से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने अपना पक्ष रखा था, तुमने अपना पक्ष रखा, काजी साहब ने दलाइल की रोशनी में तुम्हारे हक में फैसला कर दिया, ये जिरा तुम्हारी है, जाओ ले जाओ। वो यहूदी वहीं चीखता और कहता है, नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं नहीं, काजी साहब ने जो फैसला सुनाया है वो हमें सही लगा है, और ये देखना था मुझे कि अमीरुल मोमिनीन का कोई प्रेशर तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई दबाव तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई खौफ तो काजी साहब के चेहरे पर दिखाई नहीं देता, लेकिन काजी साहब को कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। आज इस फैसले ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया और मेरे लिए इस्लाम, मेरे दिल को इस्लाम के लिए और कुशादा कर दिया। आए काजी साहब, आपने जो भी फैसला सुनाया वो सच्चा हो या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि इस जिरा के मालिक हजरत अली ही है। मैं तो देखना चाहता था कि ये झूठे गवाह को अदालत में पेश नहीं करते हैं, इन्होंने नहीं किया है। अब मैं इनको इनकी जिरा लौटा रहा हूं, और उसी जगह पर तारीख खतीब के अंदर खतीब बगदादी लिखते हैं कि उसी जगह पर उस यहूदी ने कलमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मसावात का दर्स कोई किसी के खिलाफ नहीं, यह दर्स अगर कहीं मिलता है तो इस्लाम देता है। मुल्क शाम के अंदर अमर इब्ने आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे को कोड़ा मार दिया, सिर्फ इसलिए कि घुड़दौड़ में वो यहूदी बच्चा आगे निकल गया। उस बच्चे ने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन से, मैं अमर इब्ने आस से मैं शिकायत करूंगा। बेटा बोलता है, जा जाओ, जिससे शिकायत करना चाहो कर दो, अमर इब्ने आस मेरे बाप हैं, वो खलीफा हैं, यहां के गवर्नर हैं, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो यहूदी बच्चा खामोश हो गया, जब ये गवर्नर का बेटा है तो मेरा क्या होगा। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर मुल्क शाम गए और लोगों की एक मीटिंग लेते हैं, क्या अमर इब्ने आस ने सही काम किया है, तुम बताओ कोई शिकायत हो। कोई ने, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। छोटा सा बच्चा उठता है, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। कहा किस बात की, इधर आओ बेटा। यहूदी बच्चा 11-12 साल की उम्र, वो बच्चा आगे आता है, हजरत उमर उसको अपने पास बिठाते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ। कहा अमर इब्ने आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि देखो कौन आगे निकलता है, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, खफा हो गया, और वो आया और उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने जब शिकायत की बात की, तो कहने लगा कि मेरे बाप तो गवर्नर हैं, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं खामोश हो गया। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्ने आस की तरफ देखा, अमर इब्ने आस ने आवाज देकर अपने बेटे को बुलाया, आमना सामना हुआ, बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हजरत उमर फारूक ने फिर उस बच्चे के हाथ में कोड़ा दिया और कहा कि जितनी जोर से इसने तुझे थप्पड़ या कोड़ा मारा है तू भी बदला ले ले। उसने बदला ले लिया। हजरत उमर यहीं पर खामोश नहीं रहे, इसके आगे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने कहा है कि इसके बाद अमर इब्ने आस को बुलाया, इधर आओ, खड़े हो जाओ। अमर इब्ने आस खड़े हो गए, जल्लाद को हुक्म दिया कि एक कोड़ा अमर इब्ने आस की पीठ पर भी मारो। अमर इब्ने आस ने कहा मेरा क्या जुर्म है। कहा पहले कोड़ा खाओ, जब कोड़ा खा लिया तो बताया, आए अमर इब्ने आस ये कोड़ा तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा उस यहूदी बच्चे से ये ना कहता कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम लाने के बाद कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अदल का तकाजा यह है कि तुम्हें भी कोड़ा मारा जाए क्योंकि तुम्हारे बेटे को यह जुरत कैसे हुई यह कहने की कि मैं गवर्नर का बेटा हूं। यह कोड़ा तुम्हें याद रखेगा और हमेशा अपने बेटे को अब सही तरबियत तुम दोगे। मेरे प्यारे साथियों, यह मसावात का ऐसा दर्स इस्लाम देता है जो दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलता है, किसी तारीख में नहीं।
आज एक एक रुपए के साथ और करोड़ों रुपयों के साथ क्या मामला होता है, जरा तसव्वुर करो कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के पेट में बच्चा है, चार दिन से भूखी है, खाना नहीं मिला। उन अपनी खादिमा से कहती, ये तो कुछ देंगे नहीं, तुम बैतुल माल से थोड़ा दूध ले आओ। बैतुल माल के खाजिन ने जल्दी से थोड़ा दूध का प्याला दे दिया, क्योंकि खादिमा ने कहा था चार दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ मिला नहीं तो बच्चा मर जाएगा, पेट में बच्चा कहीं मर ना जाए। दूध का प्याला लेके आ रही है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज कुएं के पास बैठकर रात के अंधेरे में वुजू बना रहे हैं, तहज्जुद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने दरवाजे से आते हुए अपनी खादिमा को देखा जो ओढ़नी से कुछ छुपाए हुए है, उठते और कहते हैं कि क्या है इसमें। उसने चादर हटाई, देखा दूध का प्याला, कहां से लाई हो। कहा साहब ये प्याला तो मुझे बैतुल माल से लाई हूं। कहा क्यों। कहा आपकी बीवी के पेट में बच्चा है, चार दिन से कुछ नहीं खाया है, हकीम और तबीब ये कह रहे हैं कि माँ कुछ खाएगी तो बच्चे की जिंदगी बनेगी, बच्चे का गोश्त वोश्त बनेगा, माँ जब भूखी रहेगी तो बच्चा मर जाएगा, खतरा है, आपकी अमानत आपकी बीवी के पेट में पल रही है, डर है कि कहीं बच्चा मर ना जाए, इसलिए थोड़ा सा दूध पी लेने दीजिए। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज वो दूध का प्याला छीन लेते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में दादे ऐश लेने वालों, गरीबों पर जुल्म करके उनकी जमीन और जायदाद को छपट कर कब्जा करने वालों, गरीबों का खून चूसने वालों, सूद ब्याज खाने वालों, गौर करो, उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने एक प्याला दूध भी अपनी बीवी को नहीं पीने दिया, ले लिया। कहा मेरी बीवी ये एक प्याला दूध तमाम मुसलमानों की अमानत है, और जब तक मैं मीटिंग करके सारे मुसलमानों से इजाजत ना ले लूं ये दूध का प्याला तुम्हें पीने को नहीं मिलेगा। बीवी कहती है अमीरुल मोमिनीन मेरे प्यारे शौहर हमको नहीं देखो, इस बच्चे को देख लो, अगर आपने ये दूध नहीं दिया डर है बच्चे को कुछ नहीं मिला चार दिन से, कहीं ऐसा ना हो कि पेट में मर जाए, आपकी अमानत है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू, दूध का प्याला देखते हैं और अपनी बीवी का पेट देखते हैं और फिर फैसला करते हैं, और जो जवाब देते हैं उस जवाब को सुनिए क्या कहते हैं। मेरी प्यारी बीवी तेरे पेट में मेरी जो अमानत पल रही है, तेरे पेट में मेरा जो बच्चा पल रहा है, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध पीकर अगर इस बच्चे की जिंदगी बच रही है तो अपने पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, अगर ये मरता है तो मर जाने दो, हमें अपने बच्चे का मर जाना गवारा है, लेकिन अपने बच्चे के परवरिश के खातिर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके उसको दूध पिलाना गवारा नहीं है। यहां से इस्लाम को पहचानने की कोशिश करो, यहां से उठो और देखो अल्लाह ने इस्लाम को सबसे बेहतर क्यों कहा। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया के और मजाहिब की स्टडी करिए, उनमें या तो इफरात मिलेगा या तफरीत मिलेगी, किसी में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा या बिल्कुल बहुत ज्यादा नीचापन मिलेगा। आप देख लीजिए, बहुत दुनिया के किसी भी मजहब को उठाकर पढ़ लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर अमीर होना जरूरी है क्योंकि उनके यहाँ हवन जरूरी है, सुबह और शाम संध्या करना जरूरी है, संध्या में हवन जरूरी है, और हवन में 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 16 चमचे देशी गाय का घी और 16 चमचे देशी गाय का घी और 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, कस्तूरी और अखरोट और पिस्ता, ये कितनी ची पाँच छः चीज़ें हो गई, और 26 चीज़ें हैं टोटल, 26 चीज़ें हैं। इतनी एक आग जलाकर सुबह उसमें हवन किया जाएगा, यानी आग जलाकर देशी घी के गाय के देशी घी के चमचे 16 चमचे सुबह डाले जाएंगे और 16 चमचे शाम को देशी आग में, और 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम आपका ये मेवा और कस्तूरी सुबह और शाम, इसके अलावा कुल मिला के 26 चीज़ें। अगर 5 मैंने गिना दी तो 21 चीज़ें और हैं, 6 अगर हमने गिना दी तो 20 चीज़ें और हैं। ये 26 चीज़ें सुबह और 26 चीज़ें शाम को आग के हवाले करो, और आगे लिखा हुआ है अगर ये नहीं करोगे तो अधर्मी और पापी होकर मरोगे, और आगे लिखा हुआ ये अमीर को भी करना गरीब को भी करना है। एक रिक्शा चलाने वाला 16 चमचे देशी घी कहाँ से लाए सुबह, और 16 चमचे देशी घी शाम को कहां से लाए। 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 800 रुपए किलो बादाम मान लो तो 80 रुपए का बादाम,
₹800 किलो अखरोट मान लो तो ₹80 का अखरोट, ₹800 किलो अगर काजू मान लो तो ₹80 का काजू, और कस्तूरी एक तोला 10 ग्राम कस्तूरी 1000, बहुत कम बता रहा हूं तो 1000, वरना ओरिजिनल कस्तूरी तो मिलेगी ही नहीं, और वह ओरिजिनल चाहिए सुबह और इतनी शाम को। और साफ लिखा अमीर भी करे गरीब भी करे, वरना धर्मी होकर मरोगे पापी होकर मरोगे, मुझे बताओ कौन कर पाएगा ये। इसलिए इन सारी चीजों को छोड़कर एक नारियल का गोला ले लिया है हमारे हिंदू भाइयों ने, कहीं जाते उठा के फोड़ देते, नई गाड़ी ली उसको चलाने से पहले नारियल फोड़ दिया, वो सब का हम वजन करके नारियल ले लिया का, बस ये इसमें काम चला रहे हैं। वरना यकीन मानिए सिर्फ नारियल नहीं है, इन 26 चीज़ों में नारियल भी शामिल है, लेकिन सबको अलग करके सिर्फ नारियल ले लिया गया है। तो हिंदू धर्म में अगर जिंदा रहना है तो अमीर बन जाओ, अगर अमीर हो गए तो तुम इतनी पूजा कर सकते हो, वरना नहीं। और ईसाई धर्म का मुताला करो बाइबिल, तो उसमें लिखा हुआ है गरीब होना पड़ेगा। जीसस ने पितरस से कहा अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो, ईसा की नजर में पितरस वही हैसियत रखते हैं जो अल्लाह के रसूल की नजर में अबू बकर सिद्दीक, उठना बैठना पितरस का ईसा के साथ था। जीसस ने कहा, ईसा ने पितरस अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो, पितरस ने कहा बड़ी मेहनत से कमाया सारा माल लुटा दो, अच्छा आधा गरीबों में दे देता हूं आधा अपने पास। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली, बाइबिल में लिखा है एक सुई निकाली और सुई के सुराख को दिखाते हुए कहा पितरस इस सुई के सुराख को देखो, कहा इसमें से ऊंट को अगर दाखिल किया जाए तो हो जाएगा, पितरस ने कहा नहीं, कहा सुनो अल्लाह की इस सुई के सुराख से ऊंट दाखिल हो जाए ये मुमकिन है, ऊंट चला जाए मुमकिन है, लेकिन कोई अमीर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए मुमकिन नहीं है। यानी ऊंट सुई के सुराख से जाना आसान है, अल्लाह की जन्नत में किसी अमीर का जाना आसान नहीं जब तक के सब नहीं लुटाओगे। पितरस ने कहा अच्छा ठीक है मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, ईसा अलैहि सलाम ने 2 दिन की मोहलत दी, उसके बाद पितरस फिर लौट कर ईसा अलैहि सलाम के पास नहीं आया। यहाँ ईसा का मुकाबला देखो, पितरस 2 दिन के बाद नहीं आया, और गालिबन ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा से कहा अपने अपने घर का माल लेकर आओ, तो सारे साहबा माल ले आए। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से पूछा घर में क्या छोड़ा, क्या कहते हैं सारा सामान उठा लाया। पूछा घर में क्या छोड़ा तो क्या कहा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ के आए। ईसा का पितरस देखो वो चला गया फिर लौट के नहीं आया, और यहां अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तो अबू बकर अपने घर का सारा सामान ले आए। मेरे भाइयों हुक्म पर मर मिटने वाले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले वो किसी और नबी को नहीं मिले। इस्लाम दीन मुतदिल है, ये नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है लेकिन 24 घंटे तस्बीह पढ़ते रहना और अपनी बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल ना कमाना और एक जगह खानकाह में बैठने की इजाजत नहीं देता है। यह इस्लाम है जो रोजा रखने का हुक्म तो देता है लेकिन मुसलसल और रेगुलर रोजा रखने से मना करता है ताकि तुम्हारी तंदुरुस्ती खराब ना हो जाए और अपने बीवी बच्चों के लिए तुम कमाने के लायक ना रह जाओ। फर्ज रोजे रखो, महीने में 3 नफली रोजे भी रख लिया करो, लेकिन मुसलसल रोजे रखने का हुक्म नहीं देता है। यह ज़कात का हुक्म तो देता है कि गरीबों की मदद करो, 2.5% दो, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाकर खुद अपने घर में लोगों के टुकड़ों के मोहताज बन जाओ इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम जकात की इजाजत तो देता है, गरीबों की मदद की इजाजत तो देता है, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम हज करने का हुक्म तो देता है लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपना घर बेच दो, अपनी दुकान बेच दो और बेचकर हज करने के लिए जाओ, इस बात का हुक्म नहीं देता है। मेरे भाइयों ये इस्लाम दीन मुतदिल है, दीन एतदाल है, इसके अंदर आपको ना तो उतार बहुत ज्यादा चढ़ाव मिलेगा ना बहुत ज्यादा गिरावट मिलेगी, ये बीच का रास्ता बताता है। इस्लाम यकीनन जिहाद का हुक्म देता है लेकिन अमन हो जाने के बाद, जिहाद खत्म हो जाने के बाद, मुल्क में शांति हो जाने के बाद फिर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम दीन मुतदिल है, इसको हम समझें, इस पर हम गौर करें, इसको हम लें और देखें, यही इस्लाम की खसूसियात है। मेरे भाइयों इस्लाम के कुछ उसूल ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते हैं लेकिन हमें वो भी मानना है। एक कानून है, इससे क्या फायदा, मगरिब में 3 रकात अल्लाह के नबी ने क्यों रखी, फजर में उठना बड़ा मुश्किल होता है, वहां 5-6 रकातें होना चाहिए तो अल्लाह के नबी ने 2 ही क्यों बताई,
जुमा इतना मुबारक दिन है तो उसमें दो ही रकातें क्यों हैं, जबकि जुमे के दिन की अफजलियत है तो वहां 20-25 रकातें होना चाहिए थी। कोई जरूरी नहीं है हमारी अकल वहां तक पहुंचे, लेकिन हमें फॉलो करना है चाहे फायदा समझ में आए या ना आए। कभी आपने गवर्नमेंट से सवाल किया है? ट्रैफिक नियम बने हुए हैं, कभी देखा आपने? बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो ट्रैफिक नियम है, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लाल बत्ती जल रही है, आप गाड़ी रोक दीजिए, हरी बत्ती जलेगी, ग्रीन सिग्नल, गाड़ी चलाइए। ये नियम किस लिए बने? हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं, ये नियम हमारे और आपके लिए बनाए गए हैं। जर्जी साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कोलकाता की सरजमीन है, चौराया आया, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। जर्जी साहब देख रहे हैं दाएं बाएं तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सिग्नल पर रुकने का क्या फायदा, जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो चलो गाड़ी चला दें। मेरे भाइयों ईमानदारी के साथ बताइए, कोई सवारी हमें नहीं दिख रही है, एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है, हमें गाड़ी चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? कानून के मुताबिक नहीं चलाना चाहिए। क्यों? जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए तब तक नहीं। हमारी अकल कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाओ, क्योंकि कोई एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, आगे कोई सवारी आ ही नहीं रही है। लेकिन लखनऊ में जहां इस वक्त हम रह रहे हैं मेरे भाइयों, वहां पुलिस नहीं खड़ी है, लेकिन गाड़ियों के नंबरों को अकाउंट से जोड़ दिया गया है, हमारे बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है। आपने जैसे ही रेड सिग्नल क्रॉस करके तोड़ा, फौरन आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, ₹500 चालान आपका कट गया है। चाहे एक्सीडेंट का खतरा हो या ना हो, लेकिन रेड सिग्नल है, गाड़ी रोकना पड़ेगी। आप कितना भी लड़िए ट्रैफिक के पुलिस वाले से, साहब गाड़ी थोड़ी आ रही, हमें जाने दीजिए, ना, रेड सिग्नल अभी नहीं जा सकते, नुकसान क्या अगर हम चले जाएं? कुछ नहीं, कानून है। जुमे में दो रकात क्या है, हमें नहीं, क्यों है हमें नहीं मालूम, हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है। फजर में दो रकात क्यों है, हमें मानना है। गंदगी जमीन पर चलते हुए मोजे में नीचे लगेगी, लेकिन मसा ऊपर करने का हुक्म दिया है, नीचे क्यों नहीं, हमें मानना है। हालांकि लोगों ने इसके जवाब दिए हैं, लेकिन हमें जवाब आज से मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ यह है कि हमारे नबी ने जो कानून हमें बना दिया है हमें मानना है। मक्खी खाने पीने की चीज में गिर जाए उसको पूरा डुबो दो, साहब पूरा डुबो दो, हाँ, जब तक वो मर ना जाए उसको डुबो दो, जब मर जाए तो उसको निकाल के फेंक दो, फिर पीने वाली चीज पी लो या खाने वाली चीज खा लो, अगर आपका दिल कराहियत ना करे तो, लेकिन वो चीज़ हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन पूरा डुबोने का हुक्म है। ऐसा मक्खी भी जिंदा निकाल के फेंक दो, पूरा डुबो दो, भर जाने तक इंतजार करो, हमारी समझ में नहीं आ रहा ना है। हालांकि इसका तिब्बी फायदा है, लेकिन अगर हमारी समझ में नहीं भी आता है तब भी कोई फर्क नहीं, हमारे नबी ने कानून बनाया, हमें फॉलो करना है, ट्रैफिक नियम की तरह। जैसे रेड सिग्नल है लेकिन एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, फिर भी हमें रुकना है, अगरचे कोई खतरा नहीं है फिर भी रुकना है, क्योंकि कानून है और कानून हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं। हमें कोई नुकसान या फायदा हो या ना हो, अल्लाह के रसूल ने ये कानून बनाया, हमें मानना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हर काम में मसलियत है। ये अलग बात है कि हम वहां तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, हमारी अक्ल वहां तक जा सके या ना जा सके, लेकिन फायदा जरूर होगा, मसलियत जरूर होगी, हमें मानना है। एक चीज और बता दूं, कुरान कहता है या अय्युहल लजीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। दो चार नमाजें पढ़ ली मुसलमान बन गए, दो चार रोजे रख लिए मुसलमान बन गए। सब कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद जर्जीस, मोहम्मद अकरम, नहीं, ये बिजली का खंबा लगा है, मान लीजिए अभी इस पर तार नहीं दौड़ाए गए हैं, लेकिन आपके गांव में बिजली का पोल लगा हुआ है, बिजली का खंबा लगा है, इस पर बहुत जल्दी तार दौड़ेंगे, गांव में बिजली आना है, लेकिन इसी बिजली के खंबे के पास आम का एक पेड़ है, आम का एक पेड़ हवा चली आंधी आई चंद पत्ते टूटकर बिजली के पोल पर बिजली के खंबे पर चिपक गए, तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़, बताइए। तनवीर जकी मदनी साहब ने हाथ उठाया, उठवाया, हम पूछ रहे हैं आपसे, उस खंबे पर बिजली के पोल पर आम के 5-6-10 पत्ते चिपक गए, आप उसको क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बिजली का खंबा। आम का पेड़ क्यों नहीं कह रहे, उस पे तो पत्ते चिपके हुए हैं, नहीं कह सकते हो, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि चंद पत्तों के खंबे पर चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं बन सकता है। आम का पेड़ तभी आम कहलाएगा जब वो अपने जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और अपने फल में भी आम हो, तब उसको आम का पेड़ कहोगे। और जब
दो चार पत्ते के चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता, तो आपकी और हमारी दो चार नमाजें हमें मुसलमान कैसे बना सकती है, दो चार रोजे हमें पूरा मुसलमान कैसा बना सकते हैं, जब बिजली के खंबे पर लगे हुए दो चार पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते हैं। आम का पेड़ तभी आम का होगा जब वो जड़ में भी आम हो, शाखाओं में भी आम हो, ब्रांच में भी आम हो, पत्तों में भी आम हो, फल में भी आम हो। आप मुसलमान उस वक्त कहलाओगे जब आपकी जड़ में इस्लाम हो, आप उठे तो इस्लाम छलकता हो, आप बैठे तो इस्लाम छलकता हो, आप चले तो इस्लाम छलकता हो, आप खाएं तो इस्लाम छलकता हो, आप इबादत करें तो इस्लाम टपकता हो, आप शादी और ब्याह करें हैं तो इस्लाम नजर आता हो, आपकी जड़ भी इस्लामी हो, उसमें लगने वाले पत्ते भी इस्लामी हो और उसमें फल भी इस्लाम का लगा हो, तब आप पूरे मुसलमान कहलाएंगे। तो इसीलिए कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, तो चार वक्त के नमाजी मत बनो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, अपने जड़ के साथ मुसलमान बनो, जड़ के साथ। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक पानी और पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। ये एक जग है, मान लीजिए इसमें एक पत्थर हमने डाल दिया, दो दिन के बाद देखेंगे आप पत्थर भी दिख रहा पानी भी, पत्थर निकाल के आप अलग कर दीजिए, जब चाहा पत्थर को अलग कर दिया, दो दिन के बाद ही पत्थर को अलग फेंक दिया, इसका मतलब क्या है? ना पानी ने पत्थर को एक्सेप्ट किया, ना पत्थर ने पानी को जज्ब किया, यही तो मतलब हुआ। आपने पत्थर डाला जरूर था लेकिन न तो पत्थर पानी पे चढ़ा न पत्थर पे पानी चढ़ा, पत्थर को निकाल के आपने फेंक दिया। ये मामला नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब इस्लाम हमसे निकाल दो, जब चाहो तब हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं। नहीं, हमारा मामला इस्लाम के अंदर ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के साथ पानी और रंग का। जलेबी खाते हैं, रंग होता है ना उसमें खाने वाला कलर, लाल रंग का कलर लाए पानी में डाल दिया, दो मिनट के अंदर आप देख लीजिए उसमें घुल जाएगा। पीला कलर लाए पानी में घुल गया, अब पानी से रंग को आप अलग करके दिखाइए, आपके बाप भी अलग नहीं कर पाएंगे। पानी में रंग डाला, पानी ने रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने अंदर अपना रंग दे दिया। अब पानी से रंग को अलग करना चाहो नहीं होगा, रंग से पानी को अलग करना चाहो तो नहीं होगा। इस्लाम के साथ हमारा ये मामला हो, जब हम मुसलमान हैं तो इस्लाम हमसे निकाला जाए तो ना निकले, इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो ना हो, यानी हर हाल में मुसलमान रहे। हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रख दिया जाता था लेकिन इस्लाम इनके दिल से नहीं निकलता था। अहद अहद अहद, सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के अंदामे निहानी में नेजा डाल दिया गया और चीख रही है सबित कदबी जाला दीन की या रहमर रहीमीन, ऐ अल्लाह मुझे मेरे दीन पे साबित कदम रखना, दुश्मन बहुत हैं मुझसे मेरा दीन छीनना चाहते हैं, ऐ अल्लाह ऐसे हालात में मुझे साबित कदम रखना। उसने दो ऊंट मंगवाकर सुमैया के पैरों को दो ऊंटों से बांधकर एक को पूरब और एक को पश्चिम की तरफ भगा दिया, लेकिन सुमैया ने अपने जिस्म के दो टुकड़े करना गवारा कर लिया, लेकिन इस्लाम सुमैया के दिल से नहीं निकला और सुमैया के और सुमैया से इस्लाम नहीं निकला। इस्लाम के साथ हमारा यह मामला होना चाहिए, न के पत्थर की तरह। जब शादी हुई तो मोटरसाइकिल मांग ली, नाम क्या है? जियाउल हक। नाम क्या है? मोहम्मद जर्जीस। नाम क्या है? मोहम्मद असलम। हम अपने जड़ में भी मुसलमान रहें, अपने शाखाओं में भी मुसलमान हों, अपने पत्तों में भी मुसलमान हों और हमारे फलों में भी इस्लाम लग रहा हो, तब हम पक्के मुसलमान हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चंद मिसालों से मैंने इस्लाम को समझाने की कोशिश की है। 10 बजे जलसा ख़त्म होना था, हमने 10:37 दे दिया। मुतीउर रहमान साहब का जलसा ऐसा ही होता है, दिल्ली की कॉन्फ्रेंस हो जाती है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट सबको टाइम देना पड़ता है, ताल्लुकात इतने वसी हैं कि सबको आना पड़ता है, MLA भी आ जाते हैं, MP भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, बहरहाल कम ही सही लेकिन इस्लाम के ताल्लुक से जो बयान दिया गया है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह ये इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे और इस्लाम के अंदर हमें पूरा का पूरा दाखिल कर दे और इस्लाम हमारे अंदर पूरा का पूरा दाखिल कर दे। शॉर्ट में इतनी ही दुआ काफ़ी कि इलाहल आलमीन जब तक तू हमें ज़िंदा रख इस्लाम पे रखना और जब हमारा खात्मा होती ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।